मधुबनी में अचानक गैस सिलेंडर फटने से एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर ब्राह्मण टोला की है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर अचानक से फट गया। सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ नवीन जुड़ चुके हैं, संवाददाता। नवीन, जानना चाहेंगे जो घटना घटी है, सिलेंडर फटी है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? यह घटना जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित ब्राह्मण मोहल्ले का है, जहां गृह स्वामी मुकेश झा जो मुंबई में काम कर रहा था, जिसका पत्नी और बच्चे और उनके घर में गुजर बसर कर रहे थे। यह घटना आज सुबह तकरीबन 5 बजे की बताई जा रही है, जहां गैस सिलेंडर में फटने से गृह स्वामी मुकेश झा के 35 वर्षीय पत्नी सोनी देवी एवं उनके 5 वर्षीय पुत्री माही कुमारी की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इस घटना में गृह स्वामी महेश झा के 10 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार आग से झुलसने के बाद जब वो रोते हुए घर से बाहर निकला, जिसे स्थानीय लोगों ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल में इलाज करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे हालत को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज हेतु दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। जी नवीन, इस घटना में एक बच्चा बुरी तरह झुलसा भी है, लगातार उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या डॉक्टर से बात हो पाई है, उसकी हालत में क्या आप सुधार है? हाँ, देखिए ऐसा खबर आ रही है कि बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, उन्हें इलाज चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए।